फिल्म का हिट ना करना इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और जब अपने ही साथ ना दे तो गैर घंटा बजाने तो आएंगे ही आएंगे। बहरहाल फिल्म फाइटर इसी महीने 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन बनी ये एक्शन फिल्म पूरे 250 करोड़ बजट की है। फिल्म के लीड रोल में ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण। फिल्म को काफी ज्यादा फैंस पसंद कर रहे हैं और फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ बहुत अच्छा है। फिल्म की कमाई ग्रोथ कर रही है, मुकाबले पिछले साल जो सिद्धार्थ आनंद की फिल्म आई थी पठान उससे उसके मुकाबले कम है, पर इसका कमाई ग्रोथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। फिल्म की कहानी बस दो लाइन में, फिल्म एक्शन वाली हो, विलेन पाकिस्तानी हो, हीरो हमारा सोल्जर हो, और फिल्म में कुछ इमोशनल सीन हो और रोमांटिक गाने हो इंटीमेट सीन के साथ। मैंने शुरू में जो बात कही, जब अपने ही साथ ना दे तो गैर घंटा बजाने तो आएंगे ही आएंगे, फिल्म की कमाई का ग्रोथ और अधिक होता, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन और कर सकती थी। पर कुछ दिन पहले एक फिल्म आई थी तेजस, कंगना रनौत की, और इधर ही अमेजन प्राइम पर एक वेब सीरीज आई है जो अपना अच्छा अपने अपने टैलेंट और बेस्ट परफॉर्मेंस देते देते चुक गए डायरेक्टर रोहित शेट्टी की वेब सीरीज आई है इंडियन पुलिस फोर्स। इन दोनों की वजह से फिल्म का कमाई ना करना या बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन ना करना साबित हो सकता है, यह हुआ है, क्योंकि ये कहानी भी कुछ वही है, बस एक टेरर अटैक बॉम्ब ब्लास्ट और कुछ दूसरा है नहीं। बहरहाल दूसरी तरफ अगर फिल्म की कहानी की डिटेल में बात करते हैं तो फिल्म की कहानी बेस्ड है इंडियन एयरफोर्स पर। इंडियन एयरफोर्स के सोल्जर्स का डेली रूटीन बिल्कुल ही फिट चल रहा था कि अचानक एक टेरर अटैक होता है और सारे सोल्जर्स बौखला जाते हैं, और कैसे कैसे रिवेंज लेते हैं आप फिल्म में देखने के बाद आप जान पाएंगे। फिल्म का जो टेरर अटैक है ये जो हमारे यहाँ पुलवामा अटैक हुआ था इससे रिलेट करेगा। फिल्म क्यों देखें, सबसे पहले तो फिल्म देशभक्ति है, दूसरी ऋतिक रोशन का एक्शन और डांस, और तीसरी और सबसे बेस्ट अपनी बहन को खोने का नफरत और एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये दोनों किरदारों को निभाते अनिल कपूर की झक्कास वाली एक्टिंग दिल को छू जाएगी। फिल्म का स्पेशल इफेक्ट्स और वीएफएक्स काफी ज्यादा शानदार है। फिल्म के अगर कुछ बेस्ट सीन के बारे में बात करते हैं तो ऋतिक रोशन का एरोप्लेन उड़ाना बिल्कुल उनके बाएं हाथ का खेल लग रहा है, जैसे ऐसा कि वो ऐसा रेगुलर करते हैं, ऐसा फ्रेंडली दिखाया गया है। फिल्म के कुछ और सीन हैं जो हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज की फिल्म टॉप गन और टॉप गन मेवरिक की से रिलेट करेगा, है ना। फिर भी बहरहाल आपको फिल्म देखनी चाहिए, क्यों, क्योंकि फिल्म देशभक्ति है ना, इस बात को लेकर के। जय हिंद, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।